अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक और महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस महिला का आरोप है कि उसे होटल में ट्रंप के कमरे में जाने के लिए $10,000 देने की पेशकश की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में महज चंद दिन ही बचे हैं, ऐसे में ये आरोप ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन को हिला सकता है। ट्रंप पहले से महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप से घिरे हुए हैं। ऐसे में एडल्ट फिल्मों की स्टार जेसिका ड्रेक के इन आरोपों के बाद ट्रंप के चुनाव अभियान पर बड़ा असर पड़ सकता है। ट्रंप पर ये आरोप एडल्ट फिल्मों की स्टार जेसिका ने लॉस एंजलिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। जेसिका ने कहा कि वो करीब 10 साल पहले कैलिफोर्निया के लेक ताहो में ट्रंप से मिली थी। उसे होटल में ट्रंप के कमरे में बुलाया गया, जिसके बाद वो अपनी कुछ मित्रों के साथ वहां गई। 42 साल की जेसिका का आरोप है कि ट्रंप ने उसे और उसकी दो और दोस्तों को पकड़ लिया और उनकी अनुमति के बिना उनको किस किया। इसके बाद जेसिका को कमरे में आने के लिए $10,000 की पेशकश की। जेसिका का आरोप है कि बाद में एक अनजान शख्स ने ट्रंप की ओर से उसे फोन कर फिर से कमरे में आने को कहा, लेकिन इस बार उसे अकेले बुलाया गया। हालांकि जेसिका ने इनकार कर दिया। गौरतलब है कि जेसिका से पहले भी कई महिलाओं ने ट्रंप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ट्रंप का वीडियो लीक होने के बाद से अब तक 11 महिलाएं उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा चुकी हैं। 2005 के इस वीडियो में ट्रंप महिलाओं के बारे में भद्दी टिप्पणियां करते देखे गए, जिसके बाद आलोचनाओं में घिरे रिपब्लिकन उम्मीदवार ने माफी मांगी थी।